आप लोगों से यही एक निवेदन है मेरा कि ऐसे माहौल में हम अपनी ड्यूटी सेना में ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं। मेरा परिवार बहुत ही बहुत भयभीत है। पुलिस प्रशासन नेकीराम के हथियार को नहीं दिखाना चाहती है, जबकि नेकीराम ने फायर किया है, हमने FIR के अंदर भी डाला है। रिपोर्ट नंबर 379/2021 थाना मुंडावर जिला अलवर की ये घटना है। एक फौजी जो जम्मू कश्मीर में तैनात है, देश की रक्षा करता है, अपनी चमड़ी गलाकर हमें देश में सुरक्षित रखता है, पर उसके साथ भी कभी बेगानों जैसा बर्ताव होता है तो भारत का एक एक इंसान का खून खौल जाता है। अरे हमारे फौजी भाई लोगों के लिए इज्जत इतनी ज्यादा है कि कभी पिक्चर में भी कोई फौजी मरता है तो आंखों से आंसू अपने आप निकल जाते हैं। आज ऐसा ही एक मामला सामने आया है। हमारे एक फौजी भाई के घर के लोगों पर कुछ बदमाश गोलीबारी करते हैं, उनमें महिलाएं और बच्चे पे भी फायरिंग होती है और वे घायल हो जाते हैं। वे इतनी बुरी तरह घायल होते हैं कि हम अपने चैनल में उनकी फोटो तक नहीं दिखा सकते। वो फौजी पुलिस से गुहार लगाता है, वहां के SHO से बोलता है कि आप हमारी मदद कीजिए, इस केस में कम से कम उनकी बंदूक तो जब्त कीजिए। पर SHO साफ बोलता है कि आपको गोली तो नहीं लगी। इस पर फौजी ने कहा, गोली तो चलाई ना सर हम पर, अगर लग जाती तो SHO जवाब देता है, गोली लगती तब दफा 307 लगाते, पर जब नहीं लगी तो इस केस में हम कुछ नहीं कर सकते। मैं फिर दोहराता हूं, SHO ने बोला, गोली लगती तब दफा 307 लगाते, पर जब नहीं लगी तो इस केस में हम कुछ नहीं कर सकते। पुलिस प्रशासन से उन्हें कोई राहत नहीं मिलती। उसकी जो गन से फायर हुआ तो फायरिंग अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं और चेक क्यों नहीं? कौन सी गन से फायर हुआ? उसने सब हमारे ऊपर फायर किया ना 312 बोर से। कहाँ तेरे लगी कहीं फायर की? सब लगी नहीं लगी तो अच्छा अगर अगर लग जाती तो लग जाती तो और धारा लग जाती 307 हो जाती। हाँ तो साहब उसने फायर किया है ना, उसकी गन आपने अभी तक एक महीना हो गया अभी तक उसकी गन आपने अरेस्ट नहीं हुई। इसकी गन नहीं होगी अरेस्ट? गन है नहीं होगी? नहीं होगी साहब। हाँ ठीक है साहब। फौजी भाई अपने वीडियो में बोलते हैं कि मेरे सारे परिवार वाले डरे हुए हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम चाहते हैं कि आप हमारे इस मुहिम से जुड़कर उन फौजियों को इंसाफ दिलवाएं जिनके साथ ज्यादती हुई हो या वो समाज के सामने कभी अपमानित हुए हों। और जो वीडियो देख के सब्सक्राइब नहीं करते हैं उनसे कहना है कि भाई अगर आप अपने देश के ही फौजियों की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो आपसे विनती है कि प्लीज अभी के अभी बिना समय गवाएं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस घटना के बाद पूर्व सैनिकों ने कहा कि हम तिरंगा और देश की सेवा में सैनिक जवान और अधिकारी पूरी निष्ठा के साथ काम करते हैं, लेकिन जिस तरह से सैनिक जवान के साथ मारपीट की गई है यह हमारा अपमान है, प्रशासन इसे गंभीरता से ले। जय हिंद श्रीमान, मैं भारतीय सेना में सेवारत सैनिक हूँ। मेरे घर पे दिनांक 9/8/2021 को झगड़ा हुआ जिसमें नेकीराम ने बाहर से बदमाश बुला के मेरे परिवार के 5 आदमियों को घायल किया और नेकीराम ने मेरे भाई के ऊपर 12 बोर राइफल से फायर किया। नेकीराम ने पर अभी तक पुलिस प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। पुलिस प्रशासन नेकीराम से मिली हुई है। नेकीराम ने फायर किया, मेरे 5 घायल बोल रहे हैं। मेरे परिवार नेकीराम की राइफल को जब्त किया जाए, नेकीराम की राइफल को चेक कराया जाए, नेकीराम की राइफल का लाइसेंस को रद्द किया जाए। मैं और मेरा भाई स्वयं भारतीय सेना में सेवारत है, मेरा परिवार घर पे रहता है। ऐसे माहौल में मेरा परिवार को बहुत भयभीत है और हम ऐसे माहौल में अपनी ठीक प्रकार से सेना में ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं। नेकीराम ने पहले भी हमारे परिवार पे ऐसे कई वाक़े कर चुका है। नेकीराम मैं पहले January 2013 में भी एक लेटर दे चुका हूँ, उसकी कॉपी मेरे पास है, उस पर भी पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। नेकीराम मैं आप लोगों से एक ही निवेदन करता हूं कि नेकीराम को हथियार को जब्त करके उसको चेक कराया जाए, राइफल को चेक कराया जाए, नेकीराम के लाइसेंस को रद्द किया जाए, नेकीराम से सख्त कार्रवाई की जाए। मेरे परिवार के जो 5 आदमी घायल हैं उसके फोटो भी मैं इस वीडियो के साथ डाल रहा हूं। आप लोगों से यही एक निवेदन है मेरा कि ऐसे माहौल में हम अपनी ड्यूटी सेना में ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं। मेरा परिवार बहुत ही बहुत भयभीत है। पुलिस प्रशासन नेकीराम के हथियार
को नहीं दिखाना चाहती है, जबकि नेकीराम ने फायर किया है, हमने एफआईआर के अंदर भी डाला है। रिपोर्ट नंबर 379/2021 थाना मुंडावर जिला अलवर की ये घटना है। मेरे आप लोगों से मैं एक ही आग्रह करता हूं कि नेकीराम के हथियार को जांच कराया जाए, नेकीराम के हथियार को लाइसेंस को रद्द किया जाए, जो कि मेरा परिवार बहुत भयभीत है और हम भी अपनी ड्यूटी सही प्रकार से नहीं कर पा रहे। ऐसे माहौल में मेरे परिवार को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। नेकीराम के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैंने जनवरी 2013 के अंदर भी एक लेटर मैंने एसपी साहब के नाम से, एसएसओ साहब के नाम से, एसडीएम साहब के नाम से मैंने दिया है।